अश्माइकल, आप देख रहे हैं बरेली की आवाज। हर खबर पर होगी आपकी पहली नजर। रोजाना पढ़ते रहिए बरेली की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार पहुंचे दरगाह आला हजरत, सुभानी मियां से मुलाकात की और उन्हें उर्स रजवी की मुबारकबाद दी। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार अपने कार्यकर्ताओं के साथ उर्स रजवी के संबंध में दरगाह आला हजरत पहुंचे। यहां उन्होंने दरगाह प्रमुख हजरत मौलाना अलहाज वान मियां रजा खान साहब से मुलाकात की। 102वें उर्स रजवी की मुबारकबाद देकर उर्स से संबंधित तैयारियों पर चर्चा करते हुए कहा कि उर्स रजवी परंपरागत तरीकों से इस्लामिया ग्राउंड में ही मनाई जाएगी। नगर निगम की बजट की हुई बैठक। नगर निगम ने आज 11 बजे आईएमए हॉल में बजट को लेकर बैठक का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता महापौर उमेश गौतम ने की। इस अवसर पर महापौर ने सभी पार्षदों से सुझाव लिए। जिला अधिकारी ने किया बरेली का हुनर पोर्टल का शुभारंभ। महिला कल्याण विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिला अधिकारी नीतीश कुमार द्वारा हुनर सर्च द टैलेंट पोर्टल का शुभारंभ किया गया। क्या है बरेली के इन दो बैलों की कहानी? रोजाना गंगा स्नान करके मंदिर में करते हैं दर्शन। अनजान दो बैलों की कहानी इन दिनों बदायूं और बरेली के आसपास के जिलों में बहुत ही चर्चित हो गई है। भमोरा से करीब 25 किलोमीटर दूर बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र के गांव धनौर में इन बैलों को लेकर मंदिर पर लोगों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती ही चली जा रही है। तेंदुए की दहाड़ सुनकर नल पर पानी भरने गई महिला बेहोश। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग आज लगाएगा पिंजरा।